हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आज जैसा कि धरने का आयोजन हुआ था और 10 बजे से स्टूडेंट जो है इकट्ठा हो गए थे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जो कि परिणाम से संबंधित होगा। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे लोअर टू 2016 के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आज के डेट में धरना हुआ है, स्टूडेंट धरना प्रदर्शन किए हैं और वहाँ पे जैसा कि छात्रों से और सचिव के द्वारा जो भी बातचीत हुआ है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं परेशान थे। लगभग 5 साल हो चुके हैं इस भर्ती को और अभी तक सारी प्रक्रियाएँ हो चुकी हैं, यहाँ तक कि इसका जो पेपर था, एक बार तो री एग्ज़ाम करवाया गया, उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आउट हुआ, फिर इंटरव्यू है वो भी हुआ, सारी प्रक्रियाएँ कम्प्लीट हो चुकी हैं। लेकिन जैसा कि रिजल्ट का मामला आया है तो दोस्तों लगभग 7 महीने हो चुके हैं इंटरव्यू के बाद से, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया। तो लोअर टू 2016 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ये लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और जैसा कि वहां से अपडेट मिला है कि इसका रिजल्ट दोस्तों आपको अगस्त यानी 15 अगस्त के पहले ये रिजल्ट जो है आयोग जारी कर देगा। और आयोग ने स्पष्ट तौर पे आश्वासन दिया है कि इसके बाद लेट नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट लोअर टू 2016 के लिए परेशान है वो लोग घर जा सकते हैं और 15 तारीख के पहले आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, इसका जो भी रिवाइज हो रहा होगा रिजल्ट का, ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद से अंतिम मुहर जो लगेगा उसके बाद ये जो रिजल्ट है आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे गए थे वे सभी स्टूडेंट ने मेहनत किया है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं और इसका नतीजा जो आया है वो यही आया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि लोअर टू 2019 का मेंस एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसके बारे में भी स्टूडेंट द्वारा चर्चा किया गया था। वहाँ पे स्टूडेंट जो थे वहाँ पे पहुँचे थे और भी तमाम तरह के स्टूडेंट पहुँचे थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आयोग द्वारा जो बताया गया है वो मंथ बताया गया है और वो मंथ आपका नवंबर मंथ है, यानी कि नवंबर और अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट और नवंबर मंथ में लोअर टू का जो मेंस एग्जाम है ये आयोजित करवा लिया जाएगा। जो भी एग्जाम्स बचे हुए हैं, जैसे कि एसओ के एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम है, बोरिंग टेक्नीशियन के, इन सभी के एग्जाम जो हैं अक्टूबर माह और नवंबर दिसंबर, इन तीनों माह के बीच में ही आयोजित करवाते चले जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग तैयारी करें। जिनका भी एग्जाम होना बाकी है वे लोग अक्टूबर माह लास्ट माने, अक्टूबर में आपको सारी प्रक्रियाओं के नोटिस मिल जाएंगे, कब आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा इसकी सूचना आपको अक्टूबर माह में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रही बिग अपडेट आज की। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको जो भी अपडेट है वो मिलते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है इसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए, अपने तैयारी करें। दोस्तों, पीईटी की तैयारी आप लोग बेहतरीन ढंग से करें, पीईटी के माध्यम से आपको हजारों भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अलग से उसके बारे में वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।